अब अगर आप मुझे बताएं, किसी आम इंसान जो इस वक्त हमें देख रहा है और उसके साथ ऐसा कोई सिनेरियो होता है, तो आज अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, आप लोग क्या गाइडलाइंस देंगे? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह इनके साथ वाकया हुआ जी, तो नॉर्मली हम सबके पास मोबाइल फोन्स होते हैं। हाँ। सबसे पहले आप 15 पे कॉल करें। हमने अभी सिंध पुलिस ने खास तौर पर DAG मकसूद मेहमान साहब ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, और जो इमरजेंसी जो रिस्पांस हमारा कराची का है उसको बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेकर आए हैं। अच्छा। अब 15 की जो हमारी फैसिलिटी है जिसमें 24/7 ऑपरेटर्स हमारे ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसमें फीमेल ऑपरेटर्स भी बैठी हुई होती हैं, और अगर किसी भी टाइम कॉल करें तो वो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई विक्टिम जो है वो आ गया है तो उसे फौरी तौर पे कॉल करनी चाहिए। 15 की ऐप भी मौजूद है, उसके ऊपर भी वो अलर्ट भेज सकते हैं। तो जो करीब तरीन जो के मोबाइल होती हैं 15 की हमारी पूरे कराची में जो इस टाइम और सिंध में मौजूद हैं, तो वो फौरी तौर पर एक टिप तो हो गई 15 पे कॉल, फौरन उनको उन तक पहुंचेंगे, वो खुद उनको कॉल करेंगे, उनकी लोकेशन वगैरह उनसे लेके फौरन उस जगह पे पहुंचेंगे और उनकी हेल्प के लिए आएंगे। अच्छा, दूसरी टिप हो गई कि वो जो गाड़ी का नंबर है, अगर आप बैठने से पहले उसकी पिक्चर खींच के अपनी किसी जानने वाले को कि मैं इस गाड़ी में बैठ रही हूँ, भेज दें, इससे कोई फायदा होगा? बेस्ट वे ये होता है मैम, आज सबके पास जो है ये आपको पता है स्मार्ट मोबाइल्स हैं जी, तो वो अपने जैसे किसी भी भाई को किसी को भी एक तो शेयर लोकेशन आ जाती है। यस, बहुत सारे लोकेशन पे और अब जैसे अगर हम लोग राइड्स वगैरह जो मंगवाते हैं उसमें एक और ऑप्शन आता है जिसमें आपको लगता है कि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है राइड के साथ, तो आप उसका भी जो है वो अलर्ट आता है, आप उसका भी अगर क्लिक करेंगे तो उससे भी पता चल जाता है। अच्छा, अब जैसे सर ने बताया 15 वाला, सर 15 वाले को आने में कुछ टाइम लगता है, 5 मिनट आपको फॉरन रैंडम करना होता है। सालों आपने अपनी एक तो शेयर लोकेशन कर दी, उसके बाद दूसरा आप खुद ही थोड़ा सा जो है चीखेंगे चिल्लाएंगे और बाहर आ जाएंगे, फिर लोग आपकी हेल्प करेंगे, तो आपको फ़ौरन जाके अपना रिपोर्ट करवाना चाहिए। सब लोग कहते हैं चल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ठीक है घर जाओ, अल्लाह ने खैर कर दी, ये नहीं होना चाहिए। सबसे गाड़ी, बंदा, उसकी तस्वीर खींच सकते हैं, आपके हाथ में मोबाइल होते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैम आपको बताऊं इतना समझ में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं करता। हम ये बातें बैठ के कर रहे हैं, टीवी पे बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता।